फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज मैं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का मतलब बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस और टारगेट रखना क्यों जरूरी होता है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस का मतलब बताता हूँ। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आप जब कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसके लिए आप कोई टारगेट रखते हो। जैसे कि सपोज आपने अगर कोई शेयर 100 रुपये में लिया है तो आप ये टारगेट रखते हो कि ये अगर 110 रुपये पर आ गया तो आप इसको बेच दोगे। तो ऐसे ही हमको स्टॉप लॉस भी रखना होता है। स्टॉप लॉस मतलब कैसे कि अगर शेयर नीचे जाता है तो मैं कब तक कितना लॉस मैं सहन कर सकता हूँ, उतना हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। और ये स्टॉप लॉस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा तो आप 99 का स्टॉप लॉस लगा दो, मतलब 1 रुपया भी कम हो जाए तो मेरे को सिर्फ 1 रुपये का ही लॉस हो। तो कि क्या कहते हैं कि अगर आपने 100 पे शेयर खरीदा तो वो शेयर मूवमेंट करता रहता है तो वो 99 रुपीज उसी वक्त में भी आ सकता है। आपको स्टॉप लॉस क्या कहते हैं कि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख के रखना चाहिए। मतलब स्टॉप लॉस कैसे, मतलब आप जितना प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश, मतलब जितना आपका टारगेट है उसका 1/3 आपको क्या कहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपका टारगेट है, टारगेट मतलब सपोज आपका, आपने ये सोच रखा है कि आपको 150 पे क्या कहते हैं कि आपने जो 100 रुपये पे शेयर लिया है वो आपको 150 पे सेल करना है, तो इस पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो कम से कम 80 का, मतलब 20% हो गया आपका स्टॉप लॉस हो गया और 50% आप क्या कहते हैं कि प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। तो इतना क्या कहते हैं, और आपको हमेशा क्या कहते हैं कि स्टॉप लॉस हमेशा आपको लगाना चाहिए। अब क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि आपको क्या लगता है कि हमारा जो शेयर है वो 100 से 80 रुपये पे आ गया तो आपको ये लगता है कि ये मतलब क्या कहते हैं कि ये बढ़ेगा, तो आप उस वक्त क्या करते हो कि 80 रुपये पे और शेयर ले लेते हो, फिर वो 75 पे आता है, फिर 75 पे आप और खरीद लेते हो। लेकिन एट दी एंड क्या हो जाता है कि वो शेयर जो होता है वो एकदम नीचे जाता रहता है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि आपका जो लॉस होता है वो क्या कहते हैं कि अपना और बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या कहते हैं कि स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके नहीं रखोगे तो आपको ज़्यादा से मतलब 7 से 8 टाइम तक आपको लॉस हो सकता है। और एग्जांपल से देख लीजिए, जैसे कि अगर आपने 500 रुपये का शेयर खरीदा है तो आपका स्टॉप लॉस कितना 490 रुपये, यानी कि 2% हो गया। और क्या कहते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर स्टॉप लॉस 2 से 3% का रखना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे के अंदर बहुत कम शेयर होते हैं जो 4 से 5% से ज़्यादा का मूवमेंट देते हैं। तो इसके लिए आपको ये बात ध्यान में रख के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि टारगेट का मतलब क्या होता है। अब क्या कहते हैं कि जैसे कि स्टॉप लॉस लगाना मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही आपको टारगेट लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है आपका किसी भी ट्रेड में। अब जैसे सपोज आपने अगर 100 रुपये में शेयर ले लिया, अब 100 रुपये में शेयर लेने के बाद आपका टारगेट है कि आप उसको 120 पे बेच दोगे। आपने ये सोच रखा है कि 120 पे आएगा, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। लेकिन वो जैसे 119 120 आने लगता है तो आप में और लालच आती है, आप क्या करते हो कि है ना, अपना जो ऑर्डर होता है सेल ऑर्डर 120 रुपये का, उसको आप 130 रुपये कर देते हो। अब उस केस में क्या हो जाता है कि जो 120 से 130 के बजाय वो शेयर 120 से 105 पे आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप नए ट्रेडर हैं और आपको क्या कहते हैं कि तो ऐसे टारगेट रखने में दिक्कत होती है, तो आपको जितना थोड़ा 1% 2% का भी अगर प्रॉफिट हो रहा है पर डे तो आपको उससे खुश होना चाहिए। आपको क्या कहते हैं, ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा लालच करोगे ना तो उससे क्या होगा, एट दी एंड आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस भी बहुत कम होगा, क्योंकि जब तक वो आपकी प्राइस तक आएगा आप उस ट्रेड से निकल जाओगे, आपको डर लगने लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने उसमें भी इसमें मैंने 4% रखा है, मतलब 500 रुपये पे शेयर लिया, 520 रुपये पे आप उसका टारगेट प्राइस है। और इसमें मैं बता दूं आपको कि 520 तक आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 4% अगर इंट्राडे के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा है 4% एक दिन में, क्योंकि 6-7% तो क्या कहते हैं अपना FD का इंटरेस्ट है और आपको इसमें 4% का रिटर्न एक दिन में मिल रहा है। तो आपको क्या कहते हैं इसके, ये सोच के आपको टारगेट रखना चाहिए। अब तीसरी चीज़ है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि सपोज आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो शेयर का प्राइस है वो यहाँ से फॉल भी हो सकता है, लेकिन अगर इसमें एकदम से अगर बायर्स आ गए तो इसका प्राइस हिट भी कर सकता है। तो मेरे को क्या कहते हैं कि टारगेट भी ज़्यादा रखना है लेकिन मुझे नो लॉस में भी नहीं जाना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये समझिए, आप 500 रुपये पे शेयर आपने खरीद लिया, ठीक है, 520 आपका टारगेट है, आपको लगता है कि 520 चला जाएगा,
लेकिन हो ठीक ठीक है, लेकिन आपको ये भी डर है कि मेरा अगर अभी 515 पे शेयर चल रहा है, ठीक है, तो मेरे को क्या कहते हैं कि मैं नो लॉस में नहीं आना चाहिए, मतलब मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, मतलब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मतलब इसमें आपका क्या हो जाएगा, 515 पे शेयर चल रहा है, आपने 500 रुपये पे शेयर खरीद लिया, ठीक है, और अगर आप 510 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं 515 से ऊपर चला गया तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन अगर 515 से नीचे यानी कि 510 रुपये पे वो आया तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको क्या कहते हैं कि प्रॉफिट भी हो जाएगा और क्या कहते हैं कि मतलब जो आपका सिचुएशन रहेगा वो भी आपको सही से समझ में आ जाएगा, मतलब आपका थोड़ा सा मुंह मीठा हो जाएगा, ऐसा कहने का मतलब ये। तो मैं होप करता हूँ कि आपको टॉप लॉस, ट्रेलिंग टॉप लॉस और अपने टारगेट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको वीडियो के एंड में एक बार और बता दूँ कि आपका ट्रेलिंग टॉप लॉस, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या कहते हैं कि कभी भी सेट करना मत भूलिएगा। इसको सेट किए बिना कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप ये इसको सेट नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत बेकार आ सकता है और आपको भारी भरकम लॉस भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।